Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 64. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक technology and automotive enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon. So you'll get notified every time I post a new video. मेरे recent YouTube analytics से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे videos को देखते हैं, उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे channel को subscribe किया हुआ है. Please ऐसा मत करो यार. Seriously बहुत बुरा लगता है. तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है and you want to get weekly updates about the EV industry, please consider subscribing to my channel. इससे मेरे channel को grow होने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी और मैं ऐसा content आपके लिए consistently ला पाऊँगा. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे YouTube एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे. सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है हीरो मोटोकॉप से. हीरो मोटोकॉप हैज़ बीन वेरी लेट इन ब्रिंगिंग देयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्रोडक्ट्स टू द इंडियन मार्केट. आई मीन कंपेयर टू बजाज एंड टीवीएस, हीरो मोटोकॉप हैज़ टेकन मोर देन 2 to 3 years टू इवन अनाउंस देयर फर्स्ट एवर ईवी, और उन्होंने फाइनली उसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर दिया है. और पिछले कुछ महीनों में हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट सुनने को मिल रहे थे. उसके साथ ही हीरो मोटोकॉप को अब उनके ईवीज के लिए एक नया सब ब्रांड लॉन्च करना पड़ रहा है, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है एंड हीरो मोटोकॉप इज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन एंड दे विल हैव टू लॉन्च देयर न्यू ईवीज अंडर अ कम्प्लीटली न्यू सब ब्रांड. उनके इस नए सब ब्रांड का नाम शायद वीदा इलेक्ट्रिक ऐसा हो सकता है, और उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर शायद इसी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही लॉन्च की जा सकती है. और कुछ सोर्सेस से ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद ये अगले महीने में लॉन्च हो सकती है. बट दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू टेक दिस विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन आज जो हमारे पास न्यूज आ रही है, उससे पता चलता है कि हीरो मोटोकॉप उनके ईवी पोर्टफोलियो को लेकर कितने सीरियस है. And they have started working on setting up EV charging infrastructure for the EVs that they haven't even launched yet. तो recent news से ऐसा पता चल रहा है कि Hero MotoCorp ने उनके EV chargers को setup करने के लिए इंडिया के one of the biggest oil and gas corporation यानी BPCL के साथ partnership कर ली है, और वो आने वाले समय में nationwide मौजूद BPCL के energy stations पर उनके EV chargers को setup करने वाले हैं. इस प्लान के पहले फेज में 9 cities में उनके चार्जर्स को सेटअप किया जाएगा, और इसकी शुरुआत दिल्ली और बेंगलुरु से की जाएगी. हीरो मोटोकॉप विल शॉर्टली बिगिन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ लोकेशंस. ऑल ऑफ इट्स ईवीज विल बी एबल टू यूज द चार्जिंग स्टेशंस विच विल इंक्लूड चार्जिंग ऑप्शंस लाइक DC एंड AC चार्जर्स. इस मूव से हीरो मोटोकॉप को उनके चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपांड करने में आसानी होगी एंड दे विल गेट टू रीच देयर कस्टमर्स मोर इजीली. बाकी इस पार्टनरशिप के चलते इन दोनों ही कंपनीज को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. बाकी इस स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मेरे वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज वीडियो में कवर करता रहूंगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा.
और आज की न्यूज नंबर दो आ रही है साउथ कोरियन ऑटोमेकर किया से। किया मोटर्स ने पिछले साल उनके वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर्स वाली ईवी यानी किया ईवी 6 को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर दिया था और उसे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस के साथ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। इट इज़ एन ईवी दैट कैन गिव सम बिग स्पोर्ट्स कार्स नाइटमेयर्स व्हाइल पुटिंग आउट जीरो एमिशंस इन द प्रोसेस। लेकिन मेरे जैसे ईवी एंथुजियास्ट के मन में लड्डू तब फूटे थे जब किया मोटर्स से हमें पिछले साल कुछ रूमर्स सुनने को मिले थे और हमें पता चला था कि शायद किया उनके इसी प्रोडक्ट को शायद बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, तो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि किया ने उनकी ईवी 6 को इंडिया में ट्रेडमार्क कर लिया है, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि शायद ह्यूंडई मोटर्स इंडिया जो किया की सिस्टर कंपनी है इसी साल यानी फाइनेंशियल 2022 में ईवी 6 को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। ये ईवी मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक या फिर समवेयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर लॉन्च की जा सकती है। इसमें बहुत सारे हाईटेक फीचर्स को ऑफर किया गया है एंड इट हैज़ अ वेरी अग्रेसिव एंड स्पोर्टी डिज़ाइन जो इस ईवी को बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग प्रोडक्ट बना देती है। बट एज ऑलवेज देयर इज अ कैच। No, God, please, no, 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 no! Come on, guys, I have to break the news to all of you. And it is quite possible कि ये गाड़ी शायद इंडिया में as a CBU लाई जा सकती है, जिससे इसकी कीमत उसके international pricing के double से भी ज़्यादा हो जाएगी, which will completely wipe out the meaning of buying this EV in the first place. लेकिन, ये इंडिया है, और जो लोग इस गाड़ी को उसके लॉन्च प्राइस पर अफोर्ड कर पाएंगे वो इसे ज़रूर खरीदेंगे, और बाकी लोग इसके सपने देखते हुए टाटा नेक्सॉन ईवी को बुक कर लेंगे। ओके, नो ऑफेंस टू एनीवन हु ओन्स अ टाटा नेक्सॉन ईवी, ये सिर्फ एक जोक था। ओके, बाकी जिन्हें किया ईवी 6 के बारे में जानकारी नहीं है और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में खुद को इन्फॉर्म रखना चाहते हैं तो टेंशन मत लो, मैंने मेरे चैनल पर किया ईवी 6 के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसके सारे फीचर्स और वेरिएंट्स के बारे में इन डेप्थ बात की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। सो किया ईवी 6 इज कमिंग टू इंडिया, और इसे किया किस प्राइस पर लॉन्च करते हैं यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है महिंद्रा इलेक्ट्रिक से। दिस न्यूज इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट महिंद्रा टीजिंग देयर 3 न्यू प्रोटोटाइप्स, ये न्यूज अलग है, लेकिन उन 3 प्रोटोटाइप्स और महिंद्रा के कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम इस हफ्ते के दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट आज की न्यूज होने वाली है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के रिसेंट पार्टनरशिप के बारे में, और हमें ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड या फिर MEML हैज कोलैबोरेटेड विथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कॉमन सर्विस सेंटर्स या फिर CSC इन ऑर्डर टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन रूरल इंडिया। दिस एसोसिएशन विल ऑफर अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक महिंद्रा ट्रियो एंड अल्फा टू कस्टमर्स इन द रूरल मार्केट। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए CSC कुछ VLEs या फिर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अपॉइंट करेंगे जो इस ऑपरेशन को स्मूथली रन होने में हेल्प करेंगे, और विलेज लेवल पर EVs के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी शुरू करेंगे। इस टाइप से महिंद्रा इलेक्ट्रिक को रूरल मार्केट में पेनेट्रेट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड दे कैन प्रोपोगेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे इंडिया को उसके ईवी मिशन को अचीव करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इज पार्टनरिंग विद CSC, और इससे उन्हें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है यह हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सो लेट जस्ट सिट बैक फॉर नाउ बिकॉज ओनली टाइम विल टेल।
और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है जर्मन ऑटो जायंट मर्सिडीज बेंज से। मर्सिडीज हैज बीन ऑन द वर्ज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके नॉट दैट वर्ज, एंड दे हैव बीन लीडिंग द ईवी मार्केट विद सम अमेजिंग ईवी मॉडल्स बीइंग ऑफर्ड इन द लाइनअप ऑफ ईवीज। इसमें मर्सिडीज बेंज EQC, EQS और उनकी बहुत सारी अपकमिंग ईवीज भी इंक्लूडेड है। अगर फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस तरह के एडवांस गिज़मोज मर्सिडीज इस वक्त उनके ईवीज में ऑफर कर रहे हैं वो क्वाइट लिटरली क्लास लीडिंग है, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो वेरी रैपिडली इन द माइंड्स ऑफ ऑल ईवी एंथुजियास्ट अराउंड द वर्ल्ड। बट आज जो न्यूज़ मैं कवर करने वाला हूँ उससे शायद हमें मर्सिडीज की फ्यूचर प्लान्स और उनके कुछ फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस के बारे में जानकारी मिल सकती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। सो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि मर्सिडीज इस डेकेड के सेकेंड हाफ से यानी 2025 से लेकर 2030 तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन प्लांट्स को ही सेटअप करने की सोच रहे हैं। Instead of keeping the production lines flexible with the ongoing demand for IC vehicles in the market, ये Mercedes के लिए एक बहुत ही crucial और काफ़ी risky decision भी साबित हो सकता है। But if you think about it, शायद तब तक IC vehicles और electric vehicles की prices same हो सकती है। I mean, जिस तरह से दुनिया भर में इस वक्त EVs की demand बढ़ती जा रही है और बहुत सारी companies इस वक्त EVs को लाने के लिए कोशिशें कर रही है, उसे देखते हुए शायद ये डिसीजन उतना भी नेगेटिव नहीं होगा। अल्सो मर्सिडीज इज नॉट द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है। इससे पहले ऑडी ने भी अनाउंस किया था कि वो 2026 के बाद आईसी व्हीकल्स को बनाना बंद कर देंगे, एंड ये शायद उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। बाकी ईवीज के प्राइसेस के बारे में जो भी कहा जाता है दीज आर ऑल मियर स्पेकुलेशंस। बाकी अगर आईसी व्हीकल्स की प्राइसिंग ईवीज की प्राइस के कंपैरिजन में इक्वल हो जाती है, क्या तब भी आप एक आईसी व्हीकल लेना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। सो मर्सिडीज इज प्लानिंग टू स्टॉप आईसी व्हीकल प्रोडक्शन इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस डेकेड, लेकिन क्या वो इस डिसीजन पर कायम रहते हैं ये देखने के लिए हमें कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है बेंगलुरु बेस्ड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी बोल्ट से। बोल्ट, लाइक आई मेंशन, इज अ बेंगलुरु बेस्ड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिन्होंने रिसेंटली स्पेरिट इस ऑटोमोटिव ऑफ्टरमार्केट मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसके तहत अब ये दोनों कंपनीज पैन इंडिया ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो ये पार्टनरशिप आने वाले कुछ महीनों में लगभग 500 न्यू बोल्ट चार्जर्स को अक्रॉस इंडिया सेटअप करने वाले हैं, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, बेलगांव, गोवा, हैदराबाद, केरला, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। और आने वाले एक साल में इसमें ऐसी और कई मेजर सिटीज़ को धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। This partnership will enable a smooth and increased EV adoption process by bringing charging stations to garages, जिससे EV consumers के द्वारा face किए जाने वाले range anxiety को कम करने में काफी हद तक help हो पाएगी। Together, the companies plan to install the Bolt EV charging solution exclusively in 10% of Spirit garages in the next 24 months. और इससे EV customers उनकी गाड़ियों को सर्विस करने के साथ साथ चार्ज भी कर पाएंगे। अगर स्पेरिट की बात करें तो इस वक्त उनके 7000 प्लस गैरेजेस अक्रॉस 8 सिटीज में अवेलेबल है, और उनके हर एक OEM स्पेरिट पार्टनर्स को बोल्ट चार्जिंग पॉइंट्स को यूज करने के लिए कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप बोल्ट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्पेरिट ऐप, जिससे स्पेरिट के गैरेजेस को लोकेट करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और ईवी यूजर्स को एडिशनल एप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बोल्ट हैज नाउ पार्टनर्ड विद स्पेरिट टू सेटअप मोर ईवी चार्जर्स अक्रॉस इंडिया, और ये एक बहुत ही यूनिक और नया सोल्यूशन है जिसे यूज करके बहुत सारे ईवी कंज्यूमर्स का चार्जिंग और सर्विसिंग एक्सपीरियंस बड़े लेवल पर एनहांस होने वाला है। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ।
दैट्स ऑल द न्यूज आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कॉन्टेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशन या सुझाव या रिमार्क्स है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवेंट ऑलरेडी प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।